वैक्सीन तो सबको लगेगी, चाहे हो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या प्लम्बर। और अब आया है कैदियों का नंबर। जी हाँ, 2500 कैदी जिनमें से 250 को कोरोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज, मैं हूँ आपके साथ। आपको बता दें कि इतिहास में ये पहली बार होगा कि इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदियों को कोरोना हो गया, जिसके चलते अब उन कैदियों को वैक्सीन लगवाई जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2500 कैदियों में से 250 को कोरोना हो गया है, जिसके चलते इस वैक्सीनेशन की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें प्रथम चरण में 45 वर्ष से जिनकी ज्यादा उम्र है उन्हें पहले वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि किस तरीके से कैदियों में कोरोना होने से इंदौर जेल की हालत बुरी हो गई। जेल में कैदियों को कोरोना होने की वजह से उन कैदियों की एक अलग जगह निर्धारित की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर उन कैदियों के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीज और ज्यादा बढ़े तो ये इंदौर सेंट्रल जेल के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी, जिसके तहत बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन कैदियों में वैक्सीनेशन का जो प्रभाव है दिखाई देना आवश्यक है। अगर इस वैक्सीनेशन में जरा सी भी देर हुई तो इंदौर सेंट्रल जेल के लिए ये मुसीबत और बढ़ती जाएगी। इंदौर में लगातार भूमाफियाओं को लेकर के आपने बहुत सारी खबरें सुनी ही होगी, लेकिन आपको बता दें कि इन भूमाफियाओं को पकड़ने में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि खजराना थाना पुलिस के द्वारा कुछ भूमाफियाओं को पकड़ा गया है, जिसके तहत कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। किस तरीके से ये भूमाफिया प्लॉट की हेराफेरी करते थे और प्लॉट के कब्जे के संबंध में इन भूमाफियाओं की तलाश पुलिस को कब से थी, लेकिन अब पुलिस ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। कई लंबे समय तक ये भूमाफिया पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे, जिसके चलते खजराना थाना पुलिस के द्वारा अब इन भूमाफियाओं को पकड़ा गया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि उनके कितने रिकॉर्ड्स हैं और कितनी इनकी साइट्स हैं, इसकी पूरी जानकारी पुलिस के द्वारा अब दी जाएगी। इंदौर शहर ने लगातार 4 बार किस तरीके से स्वच्छता की मिसाल बनाई है, इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की टीम इंदौर शहर आने वाली है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थलों को और स्वच्छ रखा गया है। अब स्वच्छता के लिए पंच बनाना इंदौर का लक्ष्य बन चुका है। इंदौर शहर ने स्वच्छता को लेकर के तकरीबन 4 बार जो मिसाल बनाई है, इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की टीम इंदौर शहर आने वाली है, जिसमें वो स्वच्छता को लेकर के पूरी अच्छी तरीके से सर्वेक्षण करेंगे, जिसके चलते इंदौर शहर में सभी सार्वजनिक स्थलों को और स्वच्छ रखने की जो उम्मीद है वो बढ़ती जा रही है। अब इंदौर का यही लक्ष्य की पंच बनाना है इंदौर को, किस तरीके से जो स्वच्छ हर जगह को रखा जा रहा है ये देखने वाली बात है। तकरीबन 4 बार तो इंदौर शहर ने इस स्वच्छता में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या इंदौर शहर को कोई दूसरा शहर टक्कर देने आने वाला है या नहीं। स्वच्छ सर्वेक्षण टीम के आने की खबर सुनते ही इंदौर शहर एकदम अलर्ट सा हो गया है। आपको बता दें कि हर सार्वजनिक स्थलों पर जोन अधिकारी मौजूद हैं, हर जोन को अपने अलग तरीके से स्वच्छ रखने का प्रयास इंदौर शहर के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इंदौर शहर क्या स्वच्छता में पंच लगाता है या नहीं। चलिए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड पर और करते हैं चर्चा फिल्मी दुनिया की। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की नई मूवी जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसके तहत अब अक्षय कुमार एक हीरोइन के साथ नहीं तकरीबन 2 एक्ट्रेसेस के साथ दिखाई देंगे, जिसमें नुसरत और जैकलीन का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने जैकलीन के साथ तो कई फिल्में कर चुकी है, लेकिन अब नुसरत के साथ उनकी पहली फिल्म है। बताया जा रहा है कि नुसरत और जैकलीन के साथ अक्षय कुमार की केमिस्ट्री देखने वाली है। वैसे तो अक्षय कुमार की केमिस्ट्री कैटरीना कैफ के साथ भी लोगों के द्वारा खूब पसंद की गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि इस मूवी में इन तीनों का ट्रायो किस तरीके से जमता है।